पाकिस्तान के अंदर जो एबॉर्शन से मुतल कानून है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये आ, लीगल है और बहुत सारी जगहों पे इलीगल हो जाता है एबॉर्शन तो एमन I mean, अभी आप रिसेंटली जो एक एबॉर्शन का केस लड़ रही हैं उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं अच्छा सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस मुझे फेस करनी पड़ी बींग एज लॉयर इट वॉज द डिले फ्राम द प्रोजीक्यूशन साइड अच्छा जो uh, यानी माई कम्प्लेंट हैज़ लॉन्च एन एफ अब उसके बाद वंस थिंग स्टार्टेड इन द कोर्ट रूम आई कैन नॉट डू एनी थिंग अंटिल द एविडेंस हैज़ बीन ब्रॉड टू द टेबल ऑफ द जज उस वक्त अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सो द डिले फ्रॉम द पुलिस इज अ वेरी अच्छा केस ये है uh, जो मैं एक एज प्राइवेट लॉयर के कह रही हूँ द हजबैंड एंड वाइफ जो दोनों साथ थे दे वर लीगली मैरिड बट द मैरिज वॉज अनडिक्लेयर अच्छा छुपा कर बिल्कुल ऐसा है एंड द लेडी वॉज अराउंड सेवन प्लस मंथ्स प्रेगनेंट और जब वो uh, अब उनका नहीं बन रहा था कि वो चाहती थी औरत के इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए जैसे जी, बिल्कुल ऐसा ही ही होता है। उनकी जी जी बिल्कुल ऐसा था कि वो चाहती थी कि वो ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाए तो वहां पे ये हुआ कि आदमी ने चूंकि हाँ बहुत सी आप मेडिसिन ले रहे होते प्रेगनेंसी में बीट विटामिन और बीट पेन किलर्स तो उनके मेडिसिन में एक अबॉर्शन की मेडिसिन शामिल कर दी गई और जब मैं वो स्टडी कर रही थी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टैबलेट जो uh, मेरी क्लाइंट को दिया गया और it, उसकी नॉलेज में नहीं था जी बिल्कुल उनकी नॉलेज में नहीं था इट वॉज़ दैट काइंड ऑफ अ हार्श टैबलेट कि अगर वो आफ्टर द फोर्थ वीक प्रेगनेंसी में दी जाए तो वो आपके इंटरनल ऑर्गन को रप्चर कर देता है इस कदर एंड शी फेंटेड आउट उन्होंने घर के वॉशरूम में बच्चा डिलीवर किया डिलीवर किया और वो छोड़ के जा चुके थे उस वक्त शी वॉज अ लोन उसको वहीं छोड़ के उसको चले के। वहीं छोड़ के जा चुके थे उसके बाद उन्होंने जाहिर सी बात है विदाउट एनी मेडिकल असिस्टेंट विदाउट एनी हेल्प उन्होंने बच्चा डिलीवर किया और शी फेंट साढ़े तीन घंटे के बाद उनको जब होश आया मेरी क्लाइंट को एंड शी वॉज ऑल मिस और उनका बच्चा जो जिंदा पैदा हुआ था बिकॉज इट वॉजन सेवन मंथ्स में प्री मेर बेबी था मगर वो जिंदा था।, था और वो बच्चा मर चुका था एंड द केम अगेन वन शी ट्राई टू कॉल हर हजबेंड कि आप आइए और ये ये हो चुका है ही केम एंड ही स्टार्ट बीटिंग हर वाइफ अब उन्होंने आके उनको मारना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज कि ये जो बच्चे की बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए और उस औरत के लिए तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था कि पहले उसका बच्चा मर गया और अब आप उसको उठा के कचरे की थैली में डाल दें तो कोई भी माँ ये अलाउ नहीं करेगी तो इस बात पर उनका झगड़ा शुरू हुआ और उन्होंने उनको फिर मारा एंड द लेडी रेन आउट एंड द लेडी इन दैट कंडीशन वेंट टू द पुलिस स्टेशन पुलिस के पास जी वो पुलिस स्टेशन पे गई वहाँ पे इनकी एफ आई आर लॉन्च हुई अब देखिए इस कदर हमारे यहाँ मसाइल हैं खास करके पुलिस स्टेशन के भी कि जो एफ आई आर लॉन्च हुई जबकि ये बहुत बहुत क्लियर केस था थ्री थर्टी एट और थ्री ट्वेंटी फोर का अटैम्प टू मर्डर भी था बिल्कुल आप उस बच्चे के लिए भी कह सकते हैं और उस औरत के लिए भी अटैम्प टू मर्डर है एक का तो कर ही दिया ना एक का कर दिया और जो हालत रही उस औरत की वो कहीं भी मर भी सकती थी एफ आई आर जो लॉन्च हुई वो थ्री ट्वेंटी टू कतलब इस सबक पर लॉन्च हुई और वो इस वजह से लॉन्च की गई डिले करके कि हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे मिल जाएगा बच्चा है भी कि नहीं है द फादर हैज़ डिस्पोज ऑफ द बॉडी बच्चे को हटा दिया गया। बच्चे, को हटा दिया गया जो भी थे वो सारा क्लीन अप कर दिया गया उसके बाद ये किया गया कि जब ये एफ लॉन्च हुई तो सेक्शन गलत डाला गया उसके बाद एफ आई आर लॉन्च तो, तो जाहिर कंप्लेनेंट करवाता है लेकिन ज़ाहिर उसको वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो ये जान सके कि कौन सी सेक्शन डलवाई जा रही है एग्जैक्टली exactly. एक कंडीशन की बात होती है और दूसरा बींग अ लॉयर आई नो वट थ्री ट्वेंटी टू सजेस्ट अ ले मैन डज नॉट नो कि थ्री ट्वेंटी टू क्या है और थ्री थर्टी एट क्या है और थ्री थर्टी एट बी क्या है hmm. उसको सिर्फ कंटेंट ऑफ द एफ आई आर पढ़ के सुनाया जाता है और वो उन पर साइन करता है उनके मुताबिक आप कोई भी सेक्शन लगा दें उनको सिर्फ ये श्योरिटी होती है कि आपकी एफ़ आई